अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो आपको पैसा ही पैसा मिलेगा, और ये रेखाएं पैसा ही पैसा होने की तरफ इशारा करती है। जरूर देखें हाथ में मौजूद ये रेखाएं जो आपको जल्द ही बना सकता है करोड़पति। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबों का स्वागत है। हस्त रेखा शास्त्र को देखा जाए तो हथेली की बनावट, रेखाएं और उनसे बनने वाले कुछ निशान यानी छोटी छोटी रेखाओं से बनने वाली आकृतियां भी भविष्य में होने वाले बदलाव की ओर इशारा करती है। जी हाँ, और इन्हें देखकर अगर ये कहा जाए कि आपके हथेली पर ही आपके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है तो गलत नहीं होगा। जी दरअसल कई लोगों का ये मानना भी है कि हाथ की रेखाएं और निशान में परिवर्तन भी होते रहते हैं, और धन लाभ के संकेत भी हथेली की रेखाओं से जाने जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में शनि पर्वत जो मध्यमा उंगली के पास होता है के पास से दो या इससे ज्यादा खड़ी रेखाएं निकले तो व्यक्ति को धन लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ सभी प्रकार का सुख भी मिलता है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा सही गोलाई में हो और मस्तिष्क रेखा दो भागों में बंटी हुई हो, उनको अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलता है और ससुराल से भी धन प्राप्त होता है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली पर त्रिकोण का चिन्ह बना हो वे पैसे के मामले में बहुत भाग्यवान होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों पर त्रिदेव का आशीर्वाद बना रहता है। इसी के साथ ऐसी हथेली वाले लोगों को समय समय पर अचानक धन लाभ मिल सकता है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की भाग्य रेखा हथेली के अंतिम स्थान से यानी मणिबंद से शुरू होकर शनि पर्वत तक जा रही होती है, उन्हें नौकरी में लगातार प्रमोशन मिलता रहता है। इसके चलते इसका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहता है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार भाग्य रेखा पर किसी प्रकार के अशुभ निशान न हो तो व्यक्ति बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकता है और इसी से धन भी अर्जित करता है। केवल यही नहीं बल्कि इससे इन्हें धन लाभ होने के योग बनते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली भारी और फैली हुई हो और उंगलियां कोमल और नरम हो तो ऐसी हथेली होने से व्यक्ति के धनवान होने के योग बनते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको कई तरह के हस्त रेखा के बारे में जानकारी दी। आप अपने हथेली में जरूर देखें कि आपके हथेली में ये कौन सी रेखाएं बन रही हैं और आपको ये सब लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं।